श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे वरुथनी एकादशी के बारे में। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं और जब मलमास लगता है या अधिक मास लगता है तो ये 26 हो जाती है। वरुथनी एकादशी करने से लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान वरुथनी के व्रत से सदा सौख्य का लाभ और पाप की हानि होती है। यह सबको भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। वरुथनी के एकादशी करने से वरुथनी के व्रत से मनुष्य 10,000 वर्षों तक की तपस्या का फल प्राप्त कर लेता है। इस व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री कर ले तो उसको सौभाग्य मिलता है। इसी वरुथनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गए थे। वरुथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तप करने के बराबर है, जैसा कि मैंने आपको बताया। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल वरुथनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। वरुथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिलों का दान, तिलों के दान से स्वर्ण का दान और स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ होता है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं। अन्न दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों ही तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के समकक्ष रखा गया है, उसके बराबर माना गया है। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन लेते हैं वो प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं और उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम और धन सहित कन्या का दान करते हैं उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। वरुथनी एकादशी करने वाले को दसवीं के दिन कुछ परहेज करना चाहिए। वो परहेज क्या है हम आपको बता रहे हैं। कुछ चीजों का त्याग करना पड़ता है, जैसे कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस खाना, मसूर की दाल खाना, चने का साग नहीं खाना चाहिए, कोदो का साग नहीं खाना चाहिए, शहद नहीं खाना चाहिए, दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए, दूसरी बार भोजन नहीं करना चाहिए और स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहिए। जिस दिन व्रत है उस दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना एवं पापी मनुष्य के साथ बातचीत, सब कुछ त्याग करना चाहिए। उस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग कर देना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल अथवा अन्न वर्जित है। इस एकादशी से जो विधिवत कर लेते हैं उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1,000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के बराबर है और गंगा स्नान करने से भी अधिक है। मतलब इन शॉर्ट सौभाग्य का आधार संयम है। इस प्रकार संयम रखने से मनुष्य के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। यदि प्राणी में संयम नहीं है तो उसके द्वारा किए गए तप, त्याग और भक्ति पूजा यदि सब व्यर्थ हो जाते हैं। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।